मैं आपको यूनिवर्स के साथ ऐसे साइन बताऊंगा जिनसे ये पता चलेगा कि आपके पास वेल्थ और अबंडेंस आने वाली है। अगर इन साइन में से आपको एक दो भी आ रही है तो ये यूनिवर्स का इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर आपको एक भी साइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वेल्थ और अबंडेंस नहीं आएगी। इसका सिर्फ मतलब है कि आपको अपने थॉट्स, बिलीव और एक्शन बदलने की जरूरत है। नंबर वन, आपको कंसिस्टेंटली नंबर 7 या 777 दिखाई दे रहा है। नंबर 7 एंशियंट मिस्ट्री में एक पावरफुल नंबर माना जाता है। हमारे 7 एंशियंट प्लैनेट्स भी हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आउटर प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा, ये वो प्लैनेट्स हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के साथ इंटरेक्शन बनाया था। नंबर 7 एक पॉजिटिव नंबर है, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अगर आप कंसिस्टेंटली 777 या 770 देख रही है तो इसका मतलब यह है कि वेल्थ और अबंडेंस आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। नंबर 2, आप बेबी होने का सपना देखते हैं, ये साइन है प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का और अबंडेंस का। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको बेबी हो, ये बस सिग्निफाई करता है कि प्रोस्पेरिटी आपके दरवाजे पर खड़ी है। नंबर 3, आप लगातार पैसा पा रही है, स्पेशली ये पैसा एक तरह से फ्री मनी है जो आपको यूनिवर्स के जरिए मिला है और आपको पहले से लग रहा था यूनिवर्स आपको कुछ स्पेशल देगा। आप पैसे या कोई और चीज पाने से पहले उस चीज को पाने की फीलिंग को स्ट्रॉन्गली महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। नंबर 4, जब चीजें अलाइनमेंट में नहीं होती है तो हर एक मोमेंट स्ट्रगल लगता है, पर जब अचानक से सिचुएशन चेंज होती है, सब कुछ अलाइन होने लगता है, तो अब इसका मतलब है कि एनर्जी आपके डिसीजन में फ्लो करने लगी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, मगर यूनिवर्स आपसे कह रहा है अगर आप अलाइंड है तो अब आपको अवसरों को पहचानना है। नंबर 5, आपका माइंड मनी मेकिंग आइडियाज डेवलप करने लगता है, मतलब कि इतने सारे आइडियाज की आप सो भी नहीं पाते, बस वो अपने आप आते जा रही है और आप सोचना बंद नहीं कर पा रही है, और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप इसे डिजर्व करते हैं, ये आपके लिए अच्छा है, छोड़ कर सकते हैं। नंबर 6, आप चिंता करना छोड़ देते हैं, आप ये चीज समझने लगते हैं कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, ये बस हमारे अंदर की एनर्जी में रुकावट पैदा करती है। आप पाएंगे कि आपकी सारी डिजायर धीरे धीरे फुलफिल हो रही है। खास बात तो ये है, अब आप और ज्यादा पाने की चाहत भी नहीं रखते। नंबर 7, आपके विचार मनी और अबंडेंस को लेकर बदलने लगते हैं। पैसे की गिनती अबंडेंस में होती है, लेकिन अबंडेंस केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है। आप ये समझने लगते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। अब आप उस बिलीव से भी बाहर आने लगते हैं कि पैसा और अमीरी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम ही लेकर आती है। आप ये बिलीव डेवलप करने लगते हैं कि मैं अबंडेंस का एक सोर्स हूँ, मेरे पास पैसा बहुत ही आसानी से आ जाता है और मेरी लाइफ पहले से भी ज्यादा संतोषजनक है। नीचे कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना